हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। तो आज हम आए हैं इस्कॉन टेंपल, और ये है कानपुर में। अगर आप कानपुर के हैं तो भी आप आ सकते हैं। तो मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगी और इस भव्य इतने सुंदर मंदिर के आपको दर्शन भी कराऊंगी। अगर आप इस्कॉन कभी नहीं गए हैं या फिर आप कानपुर में हैं, कानपुर से घूमने आए हैं, तो आप इस्कॉन ज़रूर आइए। बहुत 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 प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलती हूँ आपको मंदिर के अंदर, और श्री कृष्ण भगवान के आपको दर्शन भी कराऊंगी। वैसे तो मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, बट देखती हूँ कहाँ तक मैं लेके जा सकती हूँ, तो वहाँ तक का मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कमेंट में आप जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ का टाइमिंग क्या है। टाइमिंग है यहाँ पर, अगर आप आना चाहते हैं तो ये सुबह ओपन हो जाता है 4:30 बजे ही, और आप यहाँ पर आ सकते हैं 12:30 बजे तक, यानी कि 1 बजे ये मंदिर है जो बंद हो जाता है। फिर आरती होती है दोपहर वाली, भोग लगता है, उसके बाद है जो मंदिर बंद हो जाता है। और दूसरी बात, ये फिर जब खुलता है तो ये खुलेगा आपको 4 बजे, और रात के 8:30 बजे तक ये मंदिर है जो खुला रहता है। और प्रसाद भी आपको यहीं पर अंदर में ही मिल जाएगा। और अगर आप मंदिर आना चाहते हैं, प्रसाद अगर आप बाहर से लेके आना चाहते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप बाहर से नहीं लेके आ सकते। आप अपने घर से भी प्रसाद लेके आ सकते हैं, और आप यहाँ अंदर से भी प्रसाद ले सकते हैं। रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, रेट बहुत ठीक ठाक है। और यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जो खिचड़ी बनती है, उसका स्वाद ही बहुत निराला है। और मैंने भी चखा है यहाँ पे खिचड़ी, कहाँ पे हम लोगों ने खाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर, और अभी हम लोग साइड से निकल के है जो मंदिर के दर्शन करने के लिए बस जा ही रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान की जो झांकियाँ लगी हुई हैं बाल स्वरूप की, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ये नज़ारा। और आने के बाद आपको यहाँ पे इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, बस इतने ही दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन के लिए मना कर दिया था, तो मैंने वहीं पे ही बंद कर दिया फ़ोन को। तो वैसे बंद है, अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके बाहर, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ। हम जा रहे हैं अब खिचड़ी के जो है प्रसाद को ग्रहण करने, क्योंकि जो मंदिर में जो खिचड़ी बनती है ना, उसका स्वाद ही बहुत अच्छा है। मंदिर के लिए ऐसी कोई खास ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो नहीं है कि आपको कुछ लेके जाना है, कोई प्रिकॉशंस है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसाद भी चढ़ता है, पंडित जी चढ़ाते हैं। और जो यहाँ के जो जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे, तो यहाँ के जो खूबसूरत जो भव्य नज़ारे हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर सा पार्क है, और यहाँ पर जहाँ भी हम जा रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति लगी हुई है, और वहाँ से है जो फाउंटेन लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, वो कालिया नाग के ऊपर है जो श्री कृष्ण भगवान है जो विराजमान है, और फाउंटेन लगा हुआ है। तो देखने में बहुत बहुत ही सुंदर लगता है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पिक्स लिए, बहुत ही एंजॉय किया। और यहाँ पे हम खिचड़ी खाने के बाद ही आए थे। जस्ट इसके पास ही खिचड़ी है जो बनती है, और वहीं पर ही जो प्रसाद है ग्रहण किया जाता है। और जो मंदिर में जो बर्तन होते हैं उसको आपको खुद ही धो के रखना भी पड़ता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, अभी हम लोग पार्क के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे खाने पीने की सुविधा भी है। आप चाहें तो यहाँ पे जो भी खाना चाहें खा सकते हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पे स्टॉल नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे स्टॉल भी लग गई हैं। और जो रेट है वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है। देसी घी की कचौड़ियाँ मिलेंगी आपको, समोसे मिलेंगे, या फिर टिक्की चाट मिलेगी कानपुर की फेमस, इस तरह का आपको खाने के लिए मिलेगा। और डोसा वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, स्वीट में आपको कुछ भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। और रेट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है, रेट भी ठीक ठाक ही है। तो बाहर से देखने में मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। अगर आप आना चाहते हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण भगवान के। और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अलग से चार्जेस नहीं लगते हैं। पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है, अंदर में पार्किंग होती है, नो कोई पैसा नहीं लिया जाता है पार्किंग के लिए भी, कि जैसे पार्किंग के लिए पैसा लिया जाता हो, तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। इससे पहले मैंने आपको
जेके टेंपल के दर्शन कराए थे, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरती है, कोई पैसे चार्जेस नहीं लिए, सॉरी वहाँ पे उसके चार्जेस लिए जाते हैं 100 रुपीज़ जो कार पार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे कार पार्किंग बहुत बड़ी है, अंदर में ही है, सेफ़ है और नो पार्किंग मतलब पैसा नहीं है उसका। और ये देखिए यहाँ पे पार्क बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर था। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ मिलेंगी जब आप एंट्री करते हैं ना, और वही है एंट्री, वहीं से एग्ज़िट है। तो देखिए इस तरह के स्टॉल लगी हुई हैं, पानी पूरी से लेकर डोसा वगैरह जो भी आपको खाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो लोग दर्शन करके फिर यहाँ पे खाने का लुत्फ़ उठाते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है लोगों को, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे यहाँ की टिक्की चाट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं कई बार खाई हूँ, वो भी देसी घी वाली होती है, एकदम करारी क्रिस्पी, और अंदर में आपको स्वीट मिल जाते हैं, नमकीन, पानी की बोतल, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मतलब मिलेगा आपको, थोड़ा सा आउटर में पड़ता है इसीलिए। और अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको 3 से 4 किलोमीटर पड़ जाएगा, और नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको इस्कॉन टेम्पल की जो जगह है वो दिखा दी जाती है उसमें।